हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका सॉल्यूशन नगरी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोन में लगे किसी भी क्वालकम सीपीयू को किस तरीके से अनलॉक किया जाता है, गूगल अकाउंट को रिमूव किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया हुआ है रेडमी 7A की प्रॉब्लम है गूगल अकाउंट का। तो इसमें गूगल अकाउंट लगा हुआ है, इस गूगल अकाउंट को मैं रिमूव किस तरीके से करता हूं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं फ़ोन को ले आया साइलेंट मेथड में और फिर मैंने कनेक्ट किया मोबाइल को। तो पहले साइलेंट मोड पहले ले आना है, फिर फ़ोन को कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमको जाना है Xiaomi स्पेशल में, और Xiaomi स्पेशल में आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा FRP रीसेट। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेथड में ये काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो फ़ोन कनेक्ट तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि रीडिंग पार्टीशन फील्ड लिखा हुआ आ गया। तो ठीक है, अब रीडिंग पार्टीशन फील्ड लिखा हुआ आ गया तो मेरे को मोबाइल का बैक पैनल खोलना था। मैंने साइलेंट मेथड में इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि मेरे को बैक पैनल खोलना नहीं था, लेकिन अब बैक पैनल खोलने की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि मेरे को फ़ोन को ADL से कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको पता होगा जो क्वालकम का CPU होता है, ज़्यादातर वो ADL ही टेस्ट पॉइंट उस फ़ोन में रहते हैं, जिस भी फ़ोन में मतलब क्वालकम CPU रहता है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे रीड एंड टूल्स में। तो रीड एंड टूल्स में जैसे ही हम एंटर करते हैं, वहाँ पे आपको दिखेगा एक ब्रांड, एक दिखेगा मॉडल। तो यहाँ पे आपको पहले ब्रांड भी लेना होगा, आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है। उसके बाद हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे उसका मॉडल नंबर, जो उसका मॉडल नंबर होगा। तो मेरे पास यहाँ पे ब्रांड है Xiaomi का, मॉडल जो है वो रेडमी 7A है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ़ोन को कनेक्ट हम ईडे टेस्ट पॉइंट से शॉर्ट करके कर लेते हैं। आप फ़ोन को पहले भी कनेक्ट कर सकते हो और एक्सिक्यूट करने के बाद भी फ़ोन को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं गया फॉर्मेट एंड फंक्शन में, तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे रीसेट FRP का। तो इस फ़ोन में FRP लगी हुई है, FRP नहीं करता क्योंकि रीसेट FRP करूँगा तो मेरे फ़ोन में जो FRP है वो तो हट जाएगी, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि किसी भी फ़ोन का लॉक किस तरीके से अनलॉक किया जाता है, जो कि मैंने वीडियो के पहले बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ़ोन को किस तरीके से अनलॉक किया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेट FS है ना, उसको ले लेता हूँ। फॉर्मेट FS से होता है क्या है कि यहाँ पे सेफ फॉर्मेट बताया जाता है। सेफ फॉर्मेट मतलब होता है सुरक्षित फॉर्मेट हो जाएगा आपका फ़ोन और कोई रिस्क भी नहीं रहेगा ज़्यादातर, क्योंकि क्वालकम में ज़्यादातर रिस्क नहीं रहता है, कम रहता है रिस्क। मतलब यहाँ पे मैं फॉर्मेट FS ले लेता हूँ, यहाँ पे यस करना है। जैसे आप यस करते हो ना, आपका जो पैटर्न पिन जो भी पासवर्ड होगा वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्या आप FRP रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि ये बेटर ऑप्शन लगता है मेरे को फॉर्मेट FS, इसलिए मैं इसको ज़्यादातर कर लेता हूँ यूज़। ठीक है, आपको भी ज़्यादातर यही यूज़ करना है, इससे फ़ोन अनलॉक भी हो जाता है। आप देखोगे तो रीड कर रहा है फ़ोन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा फ़ोन अनलॉक इजीली हो गया है। मैं फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि जितने भी हमारे Xiaomi के फ़ोन रहते हैं ना, ज़्यादातर उनमें क्वालकम CPU रहता है। तो आपको जब आप QC फायर से करोगे ना UMT से, तो आपको इसी फंक्शन से करना है। ठीक है, पे फ़ोन को रिबूट होने देता हूँ। तब तक अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यह काम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ, जैसे कि गूगल अकाउंट किस तरीके से रिमूव करना होता है या ट्रेसिंग किस तरीके से करना होता है मोबाइल में, वो सारी वीडियो मेरे चैनल में देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि मोबाइल भी अब ऑन हो गया है मेरा, जितना भी है गूगल अकाउंट भी रिमूव हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप